किसी भी रेट ऑफ रिटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली बाय पॉजिटिव आई मीन कि वो रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ा बढ़ा देते हैं या रेट ऑफ रिटर्न को कम कर देते हैं सो so, उसमें चार अहम फैक्टर्स हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द लिटरेचर ऑफ़ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड दिज इन्वॉल्व दिज इंक्लूड द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल गुड्स डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कैपिटल गुड The time preference of people living in that particular society or that particular area and the element or the probability of risk aversion which is there among the people who invest in that particular segment. Mein. So we are going to discuss these four factors one by one in detail. So when we talk about the productivity of capital goods, it means you good in capital goods. What is capital good? We have I am going to repeat. सो so, वो गुड्स वो चीज़ें वो अशिया जिनकी मदद से आप कोई इनकम जनरेट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने uh, एक पेन ख़रीदा अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए आप उससे कोई इनकम जनरेट नहीं करें, तो दैट विल बी दैट विल बी नोन एज अ कंज्यूमर गुड बट अगर आप उस पेन से लोगों को पढ़ाने में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल हैं और उससे आप इनकम जनरेट कर रहे हैं कोई बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं या लेक्चर्स ले रहे हैं और उस पेन से आप सॉल्व करते हैं कोई चीज़ों को तो वही पेन कंज्यूमर गुड की बजाय आप कैपिटल गुड कहलाएगा सो एनी पर्टिकुलर कमोडिटी गुड जिससे आप इनकम जनरेट कर सकें और फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गो टू कोट सम्ज़ाम्पल्स येयर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई माइन्स हैं रोड्स कनाल्स डैम्स फैक्ट्रीज पेटेंट्स हैं कॉपीराइट्स हैं जिनकी मदद से आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं कोई फॉमूला है कोई एक आपके पास रेसिपी है जैसे आपने मैकडोनल्ड्स के एफ़ इनके पास या कोका कोला की रेसिपी है या पेप्सी की रेसिपी है तो आप उसकी मदद से उस पर्टिकुलर रेसिपी का या फॉमूला की मदद से आप इनकम जनरेट करें तो दैट विल बिकम अ कैपिटल गुड सो कैपिटल गुड की प्रोडक्टिविटी एक अहम एलिमेंट है रेट ऑफ रिटर्न को डिटर्मिन करने के लिए तो अगर कोई भी कैपिटल गुड जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेट ऑफ रिटर्न होगा और जितनी प्रोडक्टिविटी किसी भी कैपिटल गुड की कम है उतनी ही उसकी रेट ऑफ रिटर्न लो होगी सो दैट इज वन मेजर कॉम्पोनेंट दैट डिटर्मिन्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर गुड या कैपिटल गुड जो कि उसकी प्रोडक्टिविटी की बेसिस के ऊपर डिसाइड होती है सो वेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्टिविटी इट बी इट इज़ बेसिकली द रेट ऑफ रिटर्न विच यू आर गोइंग टू गेट फ्राम दैट पर्टिकुलर एसेट या कोई भी जो कैपिटल गुड आपके पास है सो so, वो आपके लिए कितना बेनिफिशल uh, है कितना अहम है कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनकम को जनरेट करने के वास्ते देट इज दिस इज़ हाउ वी आर गु एक्सेस और डिटर्मिन द रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर रॉ मटीरियल या सोर्स जो आपके पास है सो so, um, इस यही वाली अहम चीज़ जो है ये डिविडेंड्स uh, के लिए जो आप जो भी रिटर्न आप किसी भी uh, कैपिटल गुड के ऊपर अर्न करते हैं वही ही डिटर्मिन करती है कि आपके डिविडेंड्स कितने होंगे आपने डिविडेंड्स देने हैं या आप अगर प्रोडक्टिविटी लो है तो नेचुरली देर विल बी लेस प्रॉफिट एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस लेस विल बी द डिविडेंड्स या इवेंचुअली हो सकता है कि आप डिविडेंड्स देने के काबिल ही नहीं रहे क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऑफ योर रिसोर्सेस प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल गुड वॉज वेरी लो और प्रोडक्टिविटी निग्लेजबल uh, थी या ज़ीरो थी Um, similarly uh, there is another important aspect that when we talk about the expected returns of capital goods on the capital goods uh, we see that they vary over time and space so साथ साथ, productivity space, space uh, if I am very productive um, in a certain scenario facilities uh, for example I am a teacher तो मेरे पास वाइट बोर्ड बोर्ड मार्कर या कैलकुलेटर या कंप्यूटर इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर होंगे तो मैं मेरा प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगा मगर अगर मैं किसी एक ऐसे सिनारीयों में बैठी हुई हूँ जहाँ फॉर एग्जांपल बिजली नहीं है इंटरनेट नहीं है मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है तो मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाऊँगी मेरे स्टूडेंट्स को तो मेरा प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगा इसी तरह से आप देख सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आपके जो रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है क्योंकि उनके पास उनके पास हाई टेक हाईली एडवास किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन जैसे जा, जा, जैसे जैसे हम डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जाते हैं वहाँ जो प्रोडक्टिविटी की एलिमेंट है वो ड्रॉप हो जाती है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्टिविटी इज द अनसर्टेनिटी सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच वी नीड टू कंसिडर वेन वी आर ट्राइंग टू असेस द ओवरऑल रेट्स ऑफ रिटर्न क्योंकि दिस इज़ एन अनसर्टन वर्ल्ड और आपने ढेर सारे पैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट में प्रोजेक्ट में लगाए हैं और उसके रिजल्ट निकलें या नहीं निकलें इट डिपेंड्स सो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गो टू कोट हेयर द कैकरा वन प्रोजेक्ट विच वॉज अंडरटेकन रिसेंटली इन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर उन्होंने चौदह बिलियन डाले समंदर में ड्रिल किया इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि यहाँ से बहुत बड़े गैस के ऐायर निकलेंगे अगर इवेंचुअली वहाँ से कुछ निकला नहीं तो ऑल दैट मनी गॉट वेस्टेड सो दीज टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज आर इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स तो जहाँ अनसर्टेनिटी हाई होगा वहाँ नेचुरली रिटर्न जो है वो आपका ड्विंडल कर जाएगा लो होगा जहाँ अनसर्टेनिटी कम है देर आर श्योर शॉर्ट चांसेस कि आपको ये रिटर्न मिलेगी वहाँ रिटर्न नेचुरली हाई हो जाती है सो वेन वी टॉक अबाउट अनसर्टेनिटीज़ देर कुड बी अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कुछ नेचुरल क्लामिटीज़ हो सकते हैं या हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के प्रेफ्रेंसिस या टेस्ट या फैशन में तब्दीली आ गई जिसकी वजह से आपने बहुत पैसा लगा के एक इन्वेस्टमेंट की थी वो वाले चीज़ों का फैशन नहीं है या लोगों के प्रेफरेंसेस बदल गए जैसे अभी कोला ड्रिंक के सेल्स पिछले दस साल में जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं कोला ड्रिंक्स के जो सेल्स हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली नीचे जा रहे हैं का मतलब है लोग ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक्स या पानी पीना पसंद कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो जिस अभी जिन लोगों ने उसमें बहुत ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया है दे मे सफ़र या जितने भी लोकल हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के कंपनीज़ थे उनको काफ़ी लॉसेस हुए जिसकी वजह से हमें इस एरिया में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलती सो so, uh,

या देर आर सोसाइटीज़ जिनमें लोग सेव ज़्यादा करते हैं कंज्यूम लेस करते हैं अभी वो कहते हैं हम फ्यूचर में ज़्यादा जाके खर्च करेंगे अभी हम कम खर्च करते हैं सो so, ये भी एक अहम एलिमेंट है जो कि इन्फ्लुएंस करती है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न हाई होगा या लो होगा सो so, जितना कंज्यूमर अभी कंजम्पशन के ऊपर पैसा खर्च करते हैं अगर वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू जितना वो सेव करते हैं तो नेचुरली आपकी जो इंटरेस्ट रेट है या रिटर्न्स हैं वो हाई होंगे और इफ़ यू टॉक अबाउट अ सोसाइटी जहाँ जो कंजम्पशन के ऊपर लोग कम खर्च करते हैं और सेव ज़्यादा करते हैं तो नेचुरली वहाँ जो इंटरेस्ट रेट होगी वो लो होगी बिकॉज देर विल बी मोर फंड अवेलेबल फ़ॉर सेविंग एंड लेस थिंग्स आर अवेलेबल फ़ॉर अभी आपको करंटली कंज्यूम करने के लिए बहुत ज़्यादा बोरोइंग लोग नहीं कर रहे तो इस केस में नेचुरली इंटरेस्ट रेट आपकी uh, कम हो जाएगी uh, जो चौथा अहम एलिमेंट है जो कि डिटर्मिनेंट है ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ द रिस्क वर्जन सो अगर लोग रिस्क अवर्ट हैं तो ये या रिस्क लवर्स हैं या रिस्क न्यूट्रल्स हैं ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट भी इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिटर्न को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए तो अगर आप ज़्यादा रिस्क रिस्क टेकिंग बिहेवियर शो करें हाईली रिस्क टेकरज हैं तो फिर नेचुरली आपको रिस्क प्रीमियम ज़्यादा चाहिए होगा अपने आप को बफर करने के वास्ते या अपने आप को सेफ करने के वास्ते So, then uh, the uh, risk free rate of interest in this kind of a situation will be very low. Uh, so, th this is another important element. So, altogether, there are these four elements that play a very important role in determining the values of the rate of return.